बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासत में पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने खेमे को मजबूत करने की कवायद में जुट गई हैं। इसी के साथ नेताओं ने अपनी राजनीतिक भविष्य को देखते हुए दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन जो खबर सामने आई है वो आज जेडी को टेंशन देने वाली है, क्योंकि लालू यादव की पार्टी आज जेडी के कई नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है और जेडीयू का दामन थाम लिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। स्पेशल स्टोरी में आगे बताएंगे विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की खास तैयारी क्या है, लेकिन सबसे पहले बात आरजेडी को लगे बड़े झटके की। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका। आरजेडी नेताओं ने जेडीयू पर जताया विश्वास। दर्जनों नेताओं ने थाम लिया जेडीयू का दामन। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी हुई तेज। चुनाव चाहे कोई भी हो, उससे पहले दल बदलने की खबर खूब आती है। वहीं बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कई नेताओं ने जदयू की सदस्यता ले ली। जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी ने राजद का साथ छोड़कर आने वाले इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर इन नेताओं ने जदयू का दामन थामा है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे और उनके विरोधी कह रहे हैं कि जदयू टूट जाएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया। जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पदयात्रा की घोषणा की है। उनकी यह पदयात्रा जाति जनगणना अपराध और विशेष पैकेज को लेकर होगी। उन्होंने कहा कि 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार के दौरान ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2005 से पहले बिहार में रंगदारी और अपहरण का उद्योग था, लेकिन आज सरस्वती पूजा का चंदा भी जबरन नहीं वसूला जा सकता। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना और विशेष राज्य की मांग कौन कर रहा है ये पूरा बिहार जानता है। उन्होंने कहा कि बिहार में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, लेकिन डबल इंजन सरकार ने साबित किया है कि केंद्र बिहार को विशेष मदद कर रहा है। विपक्ष अब छूटी हुई ट्रेन को पकड़ना चाहता है, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में विपक्ष दिवालिया हो गया है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जदयू में आए राजद के कई नेता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, लेकिन राजद के क्रियाकलाप को देखते हुए नेताओं ने जदयू में शामिल होना बेहतर समझा। इन नेताओं के जदयू में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह एक शुभ संकेत है। बता दें कि कुछ दिन पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जगदानंद सिंह ने उस पत्र में कहा था कि पार्टी के कुछ नेता प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जन स्वराज का समर्थन कर रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कार्रवाई की भी बात कही थी। उसके बाद सियासी हंगामा मच गया था। इधर आरजेडी के कई नेताओं ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। पार्टी कार्यालय में उन्हें सदस्यता देकर शामिल कराया गया है। इससे पहले 22 जून 2024 को भी आरजेडी के एक नेता ने जेडीयू का दामन थामकर बवाल मचा दिया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की तैयारी में सभी राजनेता जुट गए हैं और पार्टी की दल बदल भी शुरू हो चुका है। वर्ष 2000 से 2004 तक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में पथ निर्माण मंत्री के पद पर रहने वाले हेमराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यालय प्रभारी रहे चंदन सिंह ने भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व मंत्री हेमराज सिंह कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वर्ष 2000 में वह निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल किए थे। जीतने के बाद राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनाया गया। 2025 का चुनाव करीब है तो हेमराज सिंह ने एक बार फिर कदवा विधानसभा के लिए जेडीयू का दामन थाम लिया। जदयू के महासचिव और राज्यसभा सांसद संजय झा ने हेमराज सिंह को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करवाया। इस मौके पर संजय झा ने कहा कि हेमराज सिंह के आने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। सीमांचल के क्षेत्र में हेमराज सिंह की अच्छी पकड़ है और हम लोग सीमांचल के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, उसको आगे बढ़ने में हेमराज सिंह मददगार साबित होंगे। संजय झा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम लोग की स्थिति काफी मजबूत रही है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो करीब 125 विधानसभा सीटों पर एनडीए की लीड है। इससे साफ दिख रहा है कि 2025 के चुनाव में 2010 वाली स्थिति आने वाली है। बता दें कि 2010 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और एनडीए में कुल 206 सीट आई थी और विपक्ष में आरजेडी 22 सीट पर सिमट कर रह गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिनों से जेडीयू और बीजेपी की तरफ से आरजेडी को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं।
4 अप्रैल 2024 की खबर है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनके साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद ने भी बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और संजय मयूख की मौजूदगी में अनिल शर्मा और उपेंद्र प्रसाद ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर विनोद तावड़े ने कहा कि बिहार में कांग्रेस अपनी पार्टी को खुद खत्म करने पर तुली हुई है। कांग्रेस आलाकमान बिहार प्रदेश पर जिस तरह से अपने फैसले थोप रहा है, उससे कांग्रेस के नेता बिहार में दुखी है। वही उपेंद्र प्रसाद अपने इलाके के मजबूत नेता हैं। नेताओं के आने से पार्टी को बल मिलेगा और उन्हें विश्वास है कि इन नेताओं की क्षमता का सदुपयोग करते हुए पार्टी विकसित भारत की दिशा में और मजबूती से काम करेगी। बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही नेता गौर सांप्रदायिक नजरिया रखते हैं। सोनिया गांधी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के नियोते को ठुकरा देती हैं, लेकिन ईसाई धर्म के कार्यक्रम के लिए पार्टी के दो बड़े नेताओं को इटली भेज देती हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भी कड़ी आलोचना की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने के बाद लालू यादव पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार वह महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, जिसमें सबसे कम अंतर से हारने वालों में बिहार में वह तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट देने के लिए पैसे मांगे गए, इसलिए उन्होंने आरजेडी छोड़ने का फैसला कर दिया। अब आपको बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश की तैयारी क्या है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव में जेडीयू एनडीए के साथ मिलकर चुनावी मैदान में जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। प्रेस वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया कि झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी तैयारी 11 सीटों पर है। इस पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने जो लिस्ट दी है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। बिहार के मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष से बात भी की है, हम लोग भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के साथ भी बातचीत हमारी चल रही है। इसके बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन अभी ये कहना है कि हम लोग झारखंड विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। इंतजार कीजिए, जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार चला रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जेडीयू बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव भी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो इस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं, भड़के हुए हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जेडीयू ने बड़ा खेल करना अब शुरू कर दिया है। इस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीम, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।